जिला परिषद के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई स्थानों पर प्रत्याशी घोषित होने पर भाजपा में अंतर्कला भी देखी जा रही है और वे भागी बनकर भाजपा के सामने आजाद उम्मीदवार बनकर उतरने के प्रयास में लगे हुए हैं। कई स्थानों पर ऐसा विरोध नहीं है, जिसमें से एक श्रीनगर है, जहां से भाजपा ने सुनीता रोहान पर दाव खेला है। सुनीता रोहान काफी वर्षों से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और राजनीति में भी अच्छी पकड़ भी रखती हैं और उन्हें कई वर्षों का अच्छा अनुभव भी प्राप्त है। श्रीनगर से भाजपा की प्रत्याशी सुनीता रोहान ने कहा कि अपने सभी 20 पंचायतों से काफी वर्षों से जुड़ी हैं और वहां की समस्याओं और यहां के निवासियों से भलीभांति परिचित हैं। वे जानती हैं कि अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं में समन्वय बिठाकर क्षेत्र का कैसे विकास किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वे अभी वर्तमान में कोट पंचायत से भी प्रधान हैं और 2006 से लेकर राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और वे इस भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगी। मैं सुनीता रोहन अभी वर्तमान में प्रधान ग्राम पंचायत कोट हूं और 2006 से लेकर पहले BDC सदस्य रही हूं, फिर 2011 में महिला के लिए जनरल सीट से प्रधान पद की उम्मीदवार रही हूं और अब 2016 से ओपन सीट से मैं प्रधान पद की उम्मीदवार रही हूं और अब मुझे प्रदेश और मंडल की तरफ से जिला परिषद का श्रीनगर वार्ड का कंडाघाट का उम्मीदवार घोषित किया है। तो मैं इसके लिए अपने सोलन मंडल का और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं है कि मैं नई कैंडिडेट हूँ, मैंने लगभग 15 वर्षों से लोगों की सेवा की है, कार्यकर्ताओं का मुझे सहयोग रहा है और मुझे मालूम है कि कैसे अधिकारियों से और कर्मचारियों से किस तरह से काम लेना है, लोगों की समस्याएं क्या हैं उनको मैं आगे रखने में सक्षम हूँ और मुझे जो भी काम दिया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं की ओर से और पंचायतों की तरफ से, लगभग 20 पंचायतें मेरे पास इस वक्त हैं जिसमें सभी को मैक्सिमम मैं जानती हूँ और जानने के साथ साथ ये है कि मुझे सभी का सहयोग इस वक्त प्राप्त है और मैं प्रदेश सरकार को और मंडल को ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ये सीट जरूर जीत कर लाऊँगी।